हेलो भाई, वक्त हीरो वालों ने 2024 में बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियों को लॉन्च करा, लेकिन भाई कोई भी गाड़ियाँ सक्सेस नहीं कर पाई। जैसे मेवरी की बात करो, या फिर एक्सट्रीम की बात करो, या फिर करिश्मा की बात करो, तीनों गाड़ियाँ नो डाउट बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मार्केट में नहीं चढ़ पाई भाई, क्योंकि मार्केट में पहले से इतना कॉम्पिटिशन है ना, इसीलिए लोग बाग भाव नहीं दे रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे आज इस वीडियो में 350 cc से लेके 450 cc सेगमेंट की 15 सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक के बारे में जानेंगे। इस सेगमेंट में कितना कंपटीशन है आप सभी अच्छे जानते हैं। हर कंपनी की गाड़ियाँ आती है, लेकिन फिर भी हीरो वालों ने दिमाग लगा के मैवरिक को लॉन्च करा भाई अपने दम पे। हालांकि इंजन भले ही हार्ले डिविजन से ले रखा है, लेकिन सारा पार्ट वगैरह इन्होंने खुद से बनाया है, तो मेहनत तो काफ़ी अच्छा करा है, लेकिन फिर भी भाई उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला हीरो वालों को। खैर, आज देखते हैं भाई कौन कौन सी है वो गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई 350 cc से लेके 450 cc सेगमेंट में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इवन पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइजेस भी जानेंगे, और उनमें कितना पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्वेट का और टॉप स्पीड मिलता है ये सब भी जानेंगे। तो आओ फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो 15वें नंबर पर आई है बजाज की डोमिनार 400। हमेशा की तरह इसकी भाई 375 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 477 यूनिट बिकी थी, मतलब 102 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने डोमिनार 400 की। अभी 250 वाला मॉडल 399 यूनिट बिका था, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन 400 वाला मॉडल 375 यूनिट बिका, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप आज के रेट में डोमिनार 400 लेना चाहते हो तो 275,032 रुपये तक आपको मिल जाता है। ऑन रोड पावर मिलता है 39.42 bhp का, 35 Nm का टॉर्क, 29 kmpl का माइलेज, 193 किलो ओकर वेट, दो कलर ऑप्शन, बाकी 155 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। इसी का इंजन ना NS400 में दे रखा है, आपने सुना ही होगा। खैर, 14वें नंबर पे हीरो मोटोकॉर्प की मैवरिक 440, अभी इसी का तो जिक्र कर रहा था। इसकी जून में मात्र 459 यूनिट बिकी है, जबकि मई में 791 यूनिट बिकी थी, मतलब 332 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। मतलब एक तो सेल इतना कम है, ऊपर से 332 350 ऐसे गिरावट हो रहा है इसके सेल्स में। बहुत लोग कह रहे थे ना स्टार्टिंग में कि हर जगह अवेलेबल नहीं है इसीलिए कम बिक रही है। भाई अवेलेबल तो अब हर जगह हो गई है, लेकिन फिर भी लोग बाग भावी नहीं दे रहे हैं। शोरूम में जाते हैं देखने के लिए, बस हो जाता है भाई, कोई खरीदता नहीं है। 238,391 रुपये से मिलना ये शुरू हो जाती है। इसमें पावर मिलता है 27 bhp का, टॉर्क मिलता है 36 Nm का, 33-34 का माइलेज मिल जाता है, 35 भी मिल जाता है, बाकी 191 किलो करवेट है, 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी टॉप स्पीड के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताना कितना इसका टॉप स्पीड है। बाकी 13वें नंबर पे अप्रीलिया की RS457 जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, इसने तो तहलका मचा रखा है। 505 यूनिट बिकी है भाई जून में, जबकि मई में 188 यूनिट बिकी थी, मतलब 317 गाड़ियों का इंप्रूवमेंट। बाप रे बाप, ये 482,809 रुपये का मिल जाती है आपको ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 46.9 bhp का, टॉर्क मिलता है 43.5 Nm का। बाप रे बाप, इतना तगड़ा पावर। कलर ऑप्शन के बारे में मेरे को आइडिया है भाई, 3 मिल जाते हैं, लेकिन माइलेज आपको क्या देती होगी, 20-25 का देती होगी, उससे ज़्यादा थोड़ी ना देगी। बाकी कर्वेट कितना है इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन टॉप स्पीड आपको गेस करना है भाई, मैवरिक का भी और इसका भी। बात करें अगली गाड़ी की, तो 12वें नंबर पे हार्ले डेविडसन की X440। इसको भी हीरो मोटोकॉर्प का ही प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन 50-50 है, आधा हार्ले वाले लेते हैं, आधा हीरो वाले लेते हैं पैसा इसका, लेकिन जो मैवरिक है वो पूरा हीरो मोटोकॉर्प का ही है, बना हुआ है। अभी X440 भाई 656 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 1017 यूनिट बिकी थी, मतलब 361 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। बाप रे बाप, इसके सेल्स में भी बहुत ही गंदा गिरावट है। ये 283,373 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। ये थोड़ी महंगी है भाई, क्योंकि हार्ले डेविडसन का थोड़ा नाम है ना इंडियन मार्केट में, इसीलिए ये थोड़ी महंगी है। बाकी इसमें आपको पावर मिलता है 27 bhp का, 38 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है, थोड़ा सा टॉर्क कम है भाई मैवरिक से, बाकी पावर सेम ही है। 33-35 का माइलेज मिल जाता है, इसमें भी 190 किलो का समथिंग इसका कर्वेट है, 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, बाकी 135 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है इसमें। बाकी 11वें नंबर पे KTM की 390 सीरीज। अभी ये सीरीज मेरे को बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगती है KTM की। यहाँ पे अपने को 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, ड्यूक मिलता है, RC मिलता है, एडवेंचर मिलता है, तीनों कंबाइन 698 यूनिट बिके जून में, मई में 655 यूनिट बिके थी, मतलब 43 गाड़ियां ज्यादा बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने।
वाह भाई वाह। अगर आप ड्यूक 390 लेना चाहते हो तो 347,374 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है। पावर मिलता है 45.3 bhp का, टॉर्क मिलता है 39 Nm का, 30 kmph का माइलेज, 169 किलो कर वेट, दो कलर ऑप्शन, बाकी 167 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 10वें नंबर पे होंडा की CB350 जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी भाई, बिल्कुल ही क्लासिक की तरह ही देखने में लगती है। इसकी 1161 यूनिट बिकी है, वाह भाई वाह, जबकि मई में 1310 यूनिट बिके थे, मतलब 149 गाड़ियाँ कम बिकी है CB350 की। ये भाई 231,550 रुपये के समथिंग मिल जाती है ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 20.7 bhp का, टॉर्क मिलता है 29.4 Nm का, 35 kmph का माइलेज, 187 किलो कर वेट, पाँच कलर ऑप्शन, बाकी 130 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। होंडा वालों के पास पहले से ही 350 सेगमेंट में दो प्रोडक्ट था भाई, लेकिन फिर भी इन्होंने इस गाड़ी को लॉन्च करा, कुछ बात था इसमें तभी तो भाई। खैर 9वें नंबर पे है हाइनेस CB350 और CB350 RS, ये होंडा के ही प्रोडक्ट है भाई। आज के रेट में 385 सेगमेंट में तीन प्रोडक्ट हो चुका है होंडा के पास है। अभी यहाँ पे मैं आपको दो ही प्रोडक्ट का बताऊंगा, क्योंकि CB350 का पहले ही बता दिया ना मैंने। अभी हाइनेस CB350 और CB350 RS की 1807 यूनिट बिकी है जून में, मई में बिकी थी 1968 यूनिट, 1968 यूनिट, मतलब 161 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो 242,499 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। पावर मिलता है दोनों में सेम ही भाई, 20.78 bhp का, टॉर्क मिलता है 30 Nm का, 35 kmph का माइलेज, 181 किलो कर वेट, 10 कलर ऑप्शन, बाकी 125 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं भाई, देखो क्या है ना कि लोग बाग इस सेगमेंट में क्लासिक 350 और बुलेट को ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए थोड़ा कम लोग बाग खरीदते हैं, लेकिन 18, 19, 20 जा रही है भाई, ख़राब थोड़ी ना है। बाकी बात करें अगली गाड़ी की तो 8वें नंबर पे है जावा और HD। यहाँ पे इन दोनों कंपनियों के गाड़ियों की बात नहीं करेंगे, दोनों कंपनियों के सेल्स के बारे में बात करेंगे। जावा और HD ने मिल के 2033 गाड़ियों को बेचा है जून में, जबकि मई में 2440 गाड़ियों को बेचा था, मतलब 407 गाड़ियाँ कम बिकी है जावा और HD की। अगर आप जावा 42 बॉबर लेना चाहते हो तो 245,529 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। 29.51 bhp का पावर, 32.74 Nm का टॉर्क है, 30 kmph का माइलेज, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 130 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी कर्वेट कितना है मेरे को आइडिया नहीं है भाई, मैंने खोजा मिला नहीं। बाकी 7वें नंबर पे ट्राइम स्पीड 400 और या फिर एक्सक्रैम्बलर 400, दोनों का मैं कंबाइन बताऊँगा, 2135 यूनिट बिकी है, 2135 यूनिट जून में, जबकि मई में बिकी थी 2117 यूनिट है, मतलब 18 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी स्पीड 400 की। अगर आप स्पीड 400 लेना चाहते हो तो 265,066 के समथिंग मिल जाता है आपको, 39.5 bhp का पावर, 37.5 Nm का टॉर्क है, 28 kmph का माइलेज, 176 किलो कर वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 170 प्लस आपको टॉप स्पीड मिल जाता है। इस गाड़ी में भाई आधा हक बजाज वालों का भी है, क्योंकि बजाज वालों ने भी हेल्प करा इस गाड़ी को बनाने में। बाकी 6वें नंबर पे बजाज की पल्सर NS 400, अभी इसकी बाइक 2515 यूनिट बिकी जून में, बाप रे बाप, बजाज वालों ने तो गजब तहलका मचाया भाई, 2515 यूनिट, जबकि मई में ओनली 32 यूनिट बिके थे, मतलब 2483 गाड़ियों का इम्प्रूवमेंट करा है भाई साहब। NS 400 का तो क्रेजी अलग है, क्योंकि ये जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुई ना, लोग इसके पीछे पागल हैं। ये 222,841 रुपये के समथिंग आपको मिल जाती है। पावर मिलता है 39.4 bhp का, टॉर्क मिलता है 35 Nm का, 35 kmph का माइलेज, 174 किलो कर वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 154 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। ये इतनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ना भाई, आज के रेट में पूछो मत, मेरी भी फेवरेट बन चुकी है प्राइजिंग के मामले में और पावर के मामले में। खैर अब आते हैं टॉप 5 में, 5वें नंबर पे है हिमालयन 450, इसकी भाई 3062 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 3314 यूनिट बिकी थी, मतलब 252 गाड़ियाँ कम बिकी है हिमालयन 450 की। ये 333,082 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें पावर मिलता है 39.47 bhp का, टॉर्क मिलता है 40 Nm का, 30 kmph का माइलेज, 196 किलो कर वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 135 kmph का टॉप स्पीड इसमें भी मिल जाता है। ये गाड़ी भाई आज के डेट में इतना कैपेबल है ना ऑफ रोडिंग के मामले में, पूछो मत। बाकी बात करें अगली गाड़ी की तो 4वें नंबर पे है मिटियोर 350, ये भाई बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। इसकी 8085 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 8189 यूनिट बिकी थी, मतलब 104 गाड़ियां कम बिकी है मिटियोर 350 की। ये 236,892 रुपये के समथिंग आपको मिल जाती है। इसमें पावर मिलता है 20.2 bhp का, 27 Nm का टॉर्क है, 35 kmph का माइलेज, 191 किलो कर वेट, 16 कलर ऑप्शन, बाकी 112 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी तीसरे नंबर पे बुलेट 350, इसकी भाई 9610 यूनिट बिकी, वाह भाई वाह, जबकि मई में 9332 यूनिट बिकी थी, मतलब 278 गाड़ियां ज्यादा बिकी आपकी 350 की, बुलेट 350 की कह सकते हो। ये भाई 201,357 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें भी पावर आपको सेम ही मिलता है मिटोर वाला ही, क्योंकि इंजन आता है ना भाई 20.2 bhp का 27
में का टॉर्क, 35 km/h का माइलेज, 195 kg इसका कर्व बैठा, हालांकि 4 kg भारी है मीटियोर से, 6 कलर ऑप्शन मात्र मिलते हैं और 110-115 का टॉप स्पीड इसमें भी मिल जाता है। बाकी दूसरे नंबर पे है हीरो मोटोकॉर्प की मोस्ट फेमस बाइक, जो कि बहुत ही कम टाइम में लोगों के दिलों पे राज करने लगी, हंटर की बात कर रहा हूँ भाई। दूसरे नंबर पे आई है, इसकी 15,609 यूनिट बिकी है जून में, मई में बिकी थी 15,084 यूनिट, मतलब 525 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है हंटर 350 की। वाह भाई वाह, इसका तो बात ही अलग है भाई, लोग बाग इसके पीछे पागल हैं एकदम। ये 1,75,355 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है, बताओ इतने प्राइस पॉइंट में लोग बाग पल्सर अपाची लेते हैं और ये रॉयल इनफील्ड वाले 350 सीसी की बाइक दे रहे हैं, तो लोग बाग पागल नहीं होंगे भाई। इसमें पावर मिलता है 20.2 BHP का, 27 Nm का टॉर्क, 35 km/h का माइलेज, 177 kg इसका कर्वेट है, 10 कलर ऑप्शन मिलते हैं, बाकी 114 km/h का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी पहले नंबर पर हमेशा की तरह क्लासिक 350, हम जैसे लोगों की सबसे पहली पसंद रेट्रो टाइप बाइक में, इसकी 24,803 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 23,789 यूनिट बिकी थी, मतलब 1,024 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है क्लासिक 350 की। ये बाइक 2,22,805 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड बेस वेरिएंट है, इसमें भी आपको पावर वही मिलता है 20.2 BHP का, 27 Nm का टॉर्क है, 35 km/h का माइलेज, 195 kg कर वेट है, 15 कलर ऑप्शन, बाकी 114 km/h का टॉप स्पीड मिल जाता है। क्लासिक 350 को बीट करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ भाई, क्योंकि इंडियन मार्केट में इतना कंपटीशन है, लेकिन ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो इस सेगमेंट में राज करती है, जैसे 100 cc या फिर 110 cc सेगमेंट में स्प्लेंडर राज करती है ना, ठीक उसी प्रकार ये अपने सेगमेंट की किंग है भाई। तो यहाँ पे हम सभी ने भाई 350 cc से लेकर 450 cc सेगमेंट की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जान लिया, सारी नहीं 15 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में जान लिया। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय।